हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ और मैं जल्दी काम कर रही हूँ। सारे मैंने रजाई के खोल निकाल दिए हैं और चद्दर भी मुझे धुलनी है, तकिया के खोल भी निकालने हैं मुझे। मैंने सोचा अब इन्हें धुल के सुखा के और रख देती हूँ अब संदूक में। इनका अब कोई काम नहीं है क्योंकि अब गर्मी हल्की लगने लगी है और ठंड भी इतनी पड़ती नहीं है। इसलिए मैंने आज सुबह सुबह पहले यही काम किया। उठ के मैंने सोचा सबसे पहले इसी को निपटाते हैं तभी कुछ करते हैं। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए, और रजाई के खोल और तकिए के खोल तो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, और बेड की चादर ये बहुत जल्दी बदलने पड़ती है। और ये देखना मैं निकाल रही हूँ। अब मैं चल रही हूँ कपड़े लेके बाहर। हिलक गया है, निकल ही नहीं रहा है। और मैंने ये दूसरी चादर झाड़ के बिछाने लगी हूँ दूल्हे। और यहाँ से मैं गांठी लगाऊंगी। दोस्तों ये गांठ लगा दो चादर में चारों तरफ तो जल्दी निकलती नहीं है चादर। ऐसा करने से मतलब पूरी इकट्ठी नहीं होती है, बिछी रहती है, ये बहुत जल्दी भी बिछ जाती है। ये देखना मैं और मेरा बेटा बिछा रहा है चादर। मेरी चादर बिछ गई। अब मैं झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर पोछा लगाया घर में। बहुत काम हो जाता है सुबह के टाइम, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं। और फिर पूरे दिन तो चाहे फ्री रहो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन सुबह के टाइम में बहुत काम हो जाता है। मैं बैठ गई कपड़े धुलने। मैंने सोचा इतनी देर में अब मैं कपड़े धुल देती हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़े धुलूँगी। इसके बाद मुझे नहाना भी है और पूजा भी करनी है, अपने लड्डू गोपाल को भी नहलाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोने बैठ गई हूँ। भाई मेरी दीरानी बना रही कड़ी और क्या। ये देखो बोलो कड़ी बन रही। गुड मॉर्निंग, ये देखो मैं कड़ी बना रही हूँ चूल्हे पर, और आपको अगर खाना हो ये देखो आ जाना, एक घंटा लगेगा बनने में, बन जाए तब आना, नहीं तो कच्ची खिला रही। ये भी बुला रही हैं आपको कड़ी खाने के लिए। इनकी कड़ी बन चुकी है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। इन्हें चूल्हे पे कड़ी बना दी है क्योंकि ये जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैं उठी हूँ लेट और मेरा काम हो गया है लेट। इधर घूम गया है कैमरा और बैठी हूँ मैं सामने, इधर कपड़े धुल रही हूँ। वैसे हमारे यहाँ मशीन भी है, लेकिन मैंने सोचा अब इतनी देर मशीन में नीचे धुलेंगे, इतनी देर हाथ से ही धुल के डाल देंगे। अब तो धूप भी अच्छी निकलने लगी है। और ये मैं लगाने बैठ गई थी मेहंदी क्योंकि सुबह मैं नहा गई थी। नहाने के बाद मैंने सोचा बाल धुलें तो मैं लगा लूँ मेहंदी, और धूप भी सही निकली है। ठंड में मेहंदी लगा नहीं पाए थे सिर में, इसलिए मैंने लगा ली है मेहंदी। और दो घंटे बाद मैं इसे धुल दूँगी अपने बालों को। और ये मैं बैठ गई कड़ी बनाने। मैंने भी सोचा मैं भी कड़ी बना लेती हूँ, जब मेरे पास है मठा रखा हुआ, तो मैं बैठ गई सेव तोड़ने के लिए। मैंने तोड़े सेव, इसके बाद मैंने कड़ी बनाई। दोस्तों कड़ी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मैंने सोचा जब तक कड़ी बनेगी, खाना बनेगा, तब तक मेरे मेहंदी भी सूख जाएगी, इसके बाद मैं अपने बाल साफ कर लूँगी, इसलिए मैं बैठ गई बनाने। ये देखो टूट गए थे, और ये मेरे बाल हो गए धुलने के लिए। मेहंदी सूख चुकी है और मैं धुलने लगी हूँ अपने बाल। मेहंदी लगाने के बाद बाल चमक जाते हैं, अच्छा लगते हैं बाल जब मेहंदी लग जाती है। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।